हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग बनाएंगे पाव भाजी, वो भी दिल्ली की सड़कों पे जो मिलती है ठेले पे, बिल्कुल वैसे ही, वो भी घर पे बनाएंगे। पाव भाजी तो सबको पसंद है, जब खाने का मन होता है तो बाहर से ले आते हैं, सबको लगता है ये घर पे नहीं बन सकता, बट ये घर पे आराम से हेल्दी आप बनाकर खा सकते हैं। और ये बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी बनता है। तो चलते हैं, चलकर स्टार्ट करते हैं पाव भाजी की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें एक बड़ा सा पैन लेना है और उसमें हम हाफ ऑयल डालेंगे और हाफ बटर। एंड जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया था। ध्यान रहे आपको प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करना है। और जब प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, इसे भी आपको बारीक चॉप करना है। साथ ही हम अपने सारे सब्जियों को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का टमाटर का प्यूरी बना लिया था, उसे डाला है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू, मटर एंड गोभी। मैंने तीनों चीज़ को एक साथ बॉईल कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का आलू लिया था, उतना ही बड़ा मैंने गोभी और उतना ही मैंने मटर लिया था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड साथ ही हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से सब्ज़ियाँ जल्दी गल जाती है और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे किसी मैशर के हेल्प से, या फिर ये तो ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है तो बहुत जल्दी मैश हो जाता है। और मैश करना लाजमी है, तभी आपके भाजी में टेस्ट आएगा। तो ये अब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, मैश हो गया है। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा जगह बनाएंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा ऑयल एंड थोड़ा बटर। उसके बाद इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2-3 चम्मच, ताकि कलर बढ़िया सा आए। इसकी जगह पे आप सूखे लाल मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है, या मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च एंड लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेश बनाया है। साथ ही हरी मिर्च एंड लहसुन को ग्राइंड किया है। हरी मिर्च एंड लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, इससे बहुत अच्छा इन्हेंस होके आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, जो कि मिर्च के साथ मिक्स होके अच्छा सा कलर आएगा। एंड धनिया 1 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून पाव भाजी का मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड मसाले को पकने देंगे, तब तक इसमें ऑयल ना छोड़ दे। जब ऑयल छोड़ देगा तो आपका ये भाजी रेडी है। एंड इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दीजिए, आपको जितना ग्रेवी रखना है। तो ये आपका भाजी रेडी है। इसमें आप ऊपर से धनिया पत्ती एंड बटर डाल दें। तो ये देख रहे हैं आप कितना मस्त हमारा भाजी बनके रेडी है। अब चलो हम लोग पाव का देख लेते हैं। तो पाव के लिए भी मैंने एक बड़ा सा पैन लिया, उसमें बटर डाला और धनिया पत्ती डाली मैंने थोड़ा। अब हमने इसमें अपने पाव को कट करके रख दिया है और इसे थोड़ा नरम कर लेंगे। तो इसे अलट पलट करके दोनों तरफ आपको सेक लेना है। तो अब हमारा पाव भी रेडी है, भाजी भी रेडी है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये वाकई में बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल ठेले जैसा। एंड इसे आप लोग भी अपने अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना आपका पाव भाजी। तो ये अब हमारा सर्विंग प्लेट भी रेडी है और इसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे एंड बटर। अच्छा, बटर जितना डालेंगे ना उतना टेस्ट आएगा। तो ये लग रहा है ना दिखने में मज़ेदार सा पाव भाजी, उतना खाने में भी है जितना देखने में है। आप लोग भी ट्राई कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करने एंड बेल आइकन को हिट कर दें।